स्वागत है। तो आप लोगों ने काफी अच्छा प्यार दिया इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, आपने देखा कि बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। उसके बाद जो है कि आपने ब्रांच के बारे में, मैंने बताया था कि बिहार के आपके जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें जो ब्रांच जो है कि बहुत प्रकार के ब्रांच दिए गए हैं, तो सारे के बारे में मैंने बताया था। उसमें बच्चे लोगों ने कम इंटरेस्ट दिखाया, तो आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए। और नेक्स्ट चीज जो है कि अब आप लोगों के मन में चल रहा है कि सर अब तो 15 अगस्त भी खत्म हो चुका है हम लोगों का, तो काउंसलिंग कब शुरू होगा। तो आप लोगों का भी उम्मीद करते हैं कि अगस्त के लास्ट वीक में जो है कि आप लोगों का भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो सर क्या करना पड़ेगा? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले या जो आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा भी लिए होंगे, जिसमें कि आपको हम बताए भी थे कि कास्ट सर्टिफिकेट जो EWS है उनका EWS होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट और जो है कि आपको रेसिडेंशियल, ये सब चीज मायने रखता है। और आपका जो फोटो फॉर्म में दिए हैं वो फोटो आपके पास होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में 8-10-20 जो भी पीस बनवा लीजिए, जो कम से कम 16-17 पीस जरूर बनवा लीजिएगा, ताकि आपको नामांकन में भी जरूरत पड़ता है, तो कोई दिक्कतें नहीं है, इतना चीज कर लीजिएगा। उसके बाद इतना समझाने के बाद भी बच्चे लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि सर जो है ना कि हमारा ये रैंक है, हमको ये कॉलेज मिलेगा क्या? तो हम शुरुआत में भी बोले थे कि ईमानदारी से कि आप लोगों को कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, यहाँ पर जो है कि खड़े होकर कोई भी आपको 10% भी अनुमान तक कोई भी देखिए पूर्व क्या करेगा, अनुमान लगा के आपको बताएगा कि हाँ मिल सकता है नहीं मिल सकता है, ठीक है। बाकी 100% श्योर मत रहिएगा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है, उससे डाउन भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वो क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आप लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि मेजर सवाल है, कुछ बच्चे व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए थे, कॉल करके पूछे थे कि सर ब्रांच चेंज करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम बच्चे को बोले भी थे कि क्योंकि बच्चे को देखिए जो मैकेनिकल लिए हैं, मैकेनिकल वाले जो CSE हैं, CSE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक दिक्कतें पहले जो है कि आज से कुछ सालों पहले बच्चे को दिक्कतें आते थे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, बोलता है कि सर इसका वैकेंसी नहीं आता है, हमें जो है कि ब्रांच चेंज करना है, ठीक है। आखिर ब्रांच चेंज करना क्यों चाहते हैं? सबसे पहला रीजन है कि आप जो सोच रहे होंगे कि हमें जो है कि गवर्नमेंट नौकरी करनी है, गवर्नमेंट नौकरी करनी है, ठीक है। तो अभी हम अपना सिचुएशन बताते हैं, हम अपना BTech और डिप्लोमा का, तो डिप्लोमा में मेरे साथ थे जितने भी लोग थे, ठीक है। तो उन लोगों सभी लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का जो है RRBJEE का वैकेंसी आया था, ALP का, तो उन लोगों में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उसमें कुछ लोग हम बचे थे जो BTech कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अभी देखिए हमने देखा कि जो 4 साल का भी BTech कर रहे हैं और जो जिन्होंने LEC किया तो वो डिप्लोमा के पास उनका डिग्री था, डिप्लोमा के बेस पे वो कहीं ना कहीं लमसम सारे LE वाले जो है लेटरल एंट्री वाले कहीं ना कहीं सेट हो गए, क्योंकि जूनियर इंजीनियर का जो तैयारी किया तो वो सेट हो गए। लेकिन 4 साल का जो BTech किए हैं उनमें भैया कहीं ना कहीं जो अभी हम देखते हैं कि मैक्सिमम 90% कहिए कि नहीं का नहीं नौकरी, 99% कहिए नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी का उस लेवल का चूंकि लेवल अप होते चलता है और कहीं ना कहीं वैकेंसी थोड़ा सा कम होते चलता है, इसलिए जो है कि कोशिश कीजिएगा कि जो डिप्लोमा आपने किया है डिप्लोमा बेसिस पर जो है कि जॉब लेने के लिए सोचिएगा, चूंकि जो है कि और एक हमारे दोस्त हैं इधर हाल फिलहाल में उनका BEL में नौकरी लगा है, तो ठीक है। तो ये सब चीज हो गया, तो इसके पीछे नौकरी के पीछे मत भागिएगा। सबसे पहले एक चीज है कि आप ब्रांच बदलने के लिए मत सोचिए, हमारा तो ये चीज यही रहेगा आप लोगों को डायरेक्शन कि आप जो है ना ब्रांच नहीं बदलिएगा, कोशिश कीजिएगा नहीं बदलने का। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आप अपर लेवल में जाइएगा, जैसे गेट का तैयारी कीजिएगा या और चीज का तैयारी कंपटीशन का कीजिएगा, जैसे माने कि 2 लेवल हो जाएगा आपका, डिप्लोमा लेवल हो जाएगा, BTech लेवल हो जाएगा, सर डिप्लोमा लेवल पर जो वैकेंसी आएगा उसके लिए आपको अलग चीज पढ़ना पड़ेगा, BTech लेवल पर जाइएगा उसके लिए अलग चीज पढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कहता है ना कि अगर मानिए कि एक नाव पे यानी 2 नाव पे पैर रखिएगा, नाव किसी भी किनारा में नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ब्रांच नहीं बदलिए, आप बेशक ब्रांच बदल सकते हैं, आप अपने सीनियर से, अपने गार्जियन से या जो आगे आपके दोस्त लोग हैं जो BTech कर रहे हैं तो उनसे पता कर लीजिएगा कि ब्रांच चेंज करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अब देखिए कंप्यूटर और एक चीज ये भी देख रहे हैं कि बच्चे लोग जो है कि 2-3 चीज सिविल और जो है ना कंप्यूटर साइंस 2 चीज का चर्चा देखते हैं, ना ही मैकेनिकल का ना ही इलेक्ट्रिकल का। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैकेनिकल डिप्लोमा में के मैकेनिकल ही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा रैंक है, 2 डिजिट में यानी कि 100 के अंदर में रैंक है, फिर भी बोल रहे हैं कि सर हम मैकेनिकल लेंगे, डेट्स बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा है,
कि आप जो है कि चुनिए उसको और आराम से जो है कि लीजिए, ठीक है। और एक चीज देखिएगा कि सर हमको ये मिल गया ब्रांच, वो मिल गया, तो अभी मैंने बहुत सारा ब्रांच बताया था, जैसे 3D एनिमेशन हो गया, आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया, माइनिंग इंजीनियरिंग हो गया, तो कोशिश कीजिएगा कि ये सब ब्रांच जरूर लेने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी भी डालिएगा, क्योंकि माइनिंग इंजीनियरिंग से कीजिएगा तो वैकेंसी आता तो भैया नौकरी होने की संभावना है बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद केमिकल इंजीनियर के लिए बोलते केमिकल इंजीनियरिंग लीजिएगा तो और बेहतर है, क्योंकि वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में भी IOCL में आया हुआ था जिसमें कि अच्छा खासा सीट भी था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है कि हमारे अनुसार से एक ही बात है कि ब्रांच जो है चेंज नहीं करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपका मन है चेंज करने का तो आप बेशक चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दुराय नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर चाह कहता नहीं कि जहाँ चाह वहाँ रहा, ठीक है। एक चीज ये भी सुने होंगे कि सर हम 10th में जो है कि बहुत ही पढ़ने में कमजोर थे लेकिन बाद में जाके तेज हो गया, ऑटोमेटिक है, ये समय के साथ लोग बदलते चला। बहुत लोग देखेगा डिप्लोमा में बहुत अच्छा करते हैं, आगे चल के पढ़ाई में थोड़ा डल हो जाते हैं। बहुत गाँव घर में ही देखिए लोग 10th में अच्छा करता है लेकिन लोग कहता है कि बच्चा शहर जाएगा बेरा तो और अच्छा पढ़ाई करेगा और अच्छा चीज सीखेगा, लेकिन शहर में आने के बाद क्या होते हैं नंबर ज्यादा आने के बजाय और कम भी हो जाता है, उसमें बहुत सारे रीजन भी हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो सोचना नहीं है, आराम से ब्रांच अगर मन है आपका ब्रांच चेंज कर लीजिए। अगर मेरा मानना है कि ब्रांच को सेम ही रखिएगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए आप डायरेक्टली जाइएगा सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर तो पढ़िएगा नहीं उसका चीज, क्योंकि उसके बेस के बारे में पता नहीं होगा। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल को फेस करने के लिए देखिएगा मैक्सिमम चाहे SSC JEE का लीजिए, कोई भी वैकेंसी लीजिएगा तो उसमें देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव जो मैक्सिमम बनता है ना बेसिक से ही ज्यादातर ऑब्जेक्टिव उसका बनता है, ठीक है। तो उसके लिए हार्ड लेवल की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए जो है ना जैसे माने मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा भी किया, BTEC भी किया, जैसे माने कि हम मैकेनिकल लेवल का क्या कहते हैं जूनियर इंजीनियर का भरते हैं या और भी कोई वैकेंसी भरते हैं तो हमको सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मैंने BTEC लेवल पर भी कोई वैकेंसी भर दिए तो चूंकि मैकेनिकल से रिलेटेड है, चूंकि हम डिप्लोमा मैकेनिकल से किए उसमें ज्यादा फोकस करेंगे तो हमारे आगे लेवल के लिए भी मेहनत हो जाएगा। लेकिन अगर मानिए कि हम डिप्लोमा किए सिविल से, अब BTEC कर रहे हैं मैकेनिकल से, या मैंने मैकेनिकल से BTEC डिप्लोमा किया और उससे हम जो है कि सिविल से कर रहे हैं क्या कहते हैं BTEC कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा मिलेगा? उससे फायदा जो है कि आप जब डिप्लोमा लेवल का भरिएगा तो उस समय भी तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको भगवान तो दो को दिमाग नहीं दिए हैं कि इधर सिविल वाला इधर मैकेनिकल वाला आटेगा, ऐसा तो कोई बात है नहीं। तो जो चीज पढ़िएगा तो उस समय क्या होगा जब आप रीडिंग कीजिएगा तो पढ़िएगा तो वो लेवल आपका धीरे धीरे बेसिक से हाई लेवल चला जाएगा। तो उसी तरीके से जब आप BTEC लेवल का भरिएगा तो कहेगा आप सिविल पढ़ना, तो फिर सिविल का बेसिक से लेके हाई तक पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए दिक्कतें होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ब्रांच चेंज नहीं करें, और जो है कि बाकी अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाने का मन वगैरह है तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। और एक चीज देखिएगा कि प्लेसमेंट किसका होता है, ठीक है। आप सुने होंगे कि सर कॉलेज में प्लेसमेंट होता है या नहीं होता, अभी हाल फिलहाल में MIT में और बहुत सारे कॉलेज में भागलपुर में और बहुत सारे कॉलेज में ऐसे हैं जिसमें कि आपको क्या कहते हैं प्लेसमेंट हुआ है। प्लेसमेंट होने होता जो है किस चीज के लिए प्लेसमेंट होगा तो आपका वहां से पैनल जो आता है उसमें आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, किस चीज का अच्छे से आपके अंदर में बोलने का स्किल होना चाहिए, रिप्रेजेंट करने का स्किल होना चाहिए। इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो इंग्लिश में थोड़ा सा, अब इंग्लिश हिंदी मायने नहीं रखता लेकिन हाँ लैंग्वेज मायने रखता है। मोस्ट प्रोबेबली जो है कि आपको इंग्लिश में ही जो है कि इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, ठीक है। हमारे दोस्त इंटरव्यू इंग्लिश में ही फेस किए थे, BA BEL में है, तो कोशिश कीजिएगा। और एक दो बच्चा NPCIEL में है, PGCIEL में, तो सारा बोला कि सर इंग्लिश में ही इंटरव्यू, अभी लोग की तरह जो है डिप्लोमा BTEC किया, डिप्लोमा किया होता, डिप्लोमा लेवल पर नौकरी किया है, तो कहीं ना कहीं अपने इंग्लिश पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए इंग्लिश ऐसा नहीं कि स्पोकन पढ़िएगा तभी, तो आप थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए बोलने का, ठीक है। ट्राई कीजिए कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे आप सीख ही जाइएगा। तो इसलिए जो अगर आप सोचते हैं कि हमें प्राइवेट भी करना है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अपने अंदर में स्किल रहेगा तब कहीं पर भी कुछ भी चीज रिप्रेजेंट करके बताइएगा तब तो वो आपको रखेगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि प्राइवेट का जो है स्थिति अभी जो है कि खराब है। दोस्त मेरा जो है कि 12-12 घंटे काम लेते थे, 12 घंटे से प्लस कहिए कम नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत है। पैसा प्राइवेट में होता है, शुरुआत में कम होता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के अनुसार बढ़ते चलता है पैसा, लेकिन भैया उसमें आपको आराम नहीं, थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसलिए सोच लीजिए, समझ लीजिए, हाँ थोड़ा सा
क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी ब्रांच जो है कि आप ट्रिपल ई ले सकते हैं, ठीक है, ईसीई इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रो एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ले सकते हैं। उसके बाद पहले जो है कि ईसीई डालिएगा, ठीक है, सॉरी डबल ई ट्रिपल ई डालिएगा, ट्रिपल ई नहीं मिला तो ईसीई डाल दीजिएगा, ईसीई पढ़िए, ईसीई अगर नहीं हुआ तब जाके आप जाके डबल ई डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, आप लोग खुद समझदार हैं, अच्छे से जो है कि सोचिए समझिए, अभी समय है काउंसलिंग होने में, अपने गार्जियन से हो या आपके कोई रिलेटिव में बीटेक किए हुए हो या और कहीं से पता भी कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, और बहुत ही जल्द जो है कि आप लोगों के लिए कुछ अलग करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।